एक बड़ी खबर की ओर हिमाचल प्रदेश से आ रही। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, फुल वैक्सीनेशन पर हिमाचल को सौगात। जी हां, आज वो बड़ा दिन हिमाचल प्रदेश के लिए। हिमाचल प्रदेश को एम्स की सौगात आज मिलने जा रही है, ये बड़ी खबर। एम्स की ओपीडी ब्लॉक का उद्घाटन आज किया जाएगा, विशेष कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। मनसुख मंडाविया ओपीडी का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, और साथ ही साथ सीएम जयराम ठाकुर भी इसमें शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा भी इस दौरान इस खास मौके पर मौजूद रहेंगे। तो हिमाचल को वैक्सीनेटेड स्टेट घोषित किया जाएगा, और ये इस वक्त की बड़ी खबर, एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक पल हिमाचल प्रदेश के लिए रहने वाला है। और साथ ही साथ आज के इस खास मौके पर हिमाचल प्रदेश को एम्स की सौगात भी मिलने जा रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एम्स की ओपीडी ब्लॉक का उद्घाटन आज किया जाएगा, और ये बहुत ही बड़ी सौगात हिमाचल वासियों को, क्योंकि अब इससे पहले इलाज करवाने के लिए या तो चंडीगढ़ का रुख करना पड़ता था लोगों को एम्स के लिए, या फिर दिल्ली का रुख करना पड़ता था। लेकिन अब इस एम्स की शुरुआत होने से अब सारी स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो बिलासपुर में मिलनी शुरू हो जाएगी स्वास्थ्य संबंधित। तो फिलहाल ये बहुत ही बड़ा दिन हिमाचल प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए, कि उनके लिए ये बहुत बड़ी सौगात जो है वो यहाँ पर आज मिलने जा रही है। और दूसरे राज्यों के लिए एक बड़े उदाहरण के तौर पर पेश यहाँ पर हिमाचल प्रदेश इस तरीके से होगा, क्योंकि पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड स्टेट का जो दर्जा है कोरोना की इस जंग में, वो हिमाचल के सिर आज इसका ताज सजने वाला है। तो बता दें आपको, ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर। सीएम जयराम ठाकुर भी इसमें शामिल होंगे, और विशेष तौर पर उन स्वास्थ्य कर्मियों को, उन कोरोना योद्धाओं को आज सम्मानित भी किया जाएगा, जिन्होंने कोरोना काल में बेहतर काम किया है, अपने जान दांव पर लगाकर उन मरीजों की सेवा की है, तो उन्हें भी आज सम्मानित किया जाएगा इस कार्यक्रम में। बिलासपुर जिला में जो एम्स हमारे स्थित है, उसमें यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है वो कल यहाँ विजिट करने आ रहे हैं, और उनके साथ में माननीय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस फंक्शन में उपस्थित रहेंगे। तो ये इस कल के फंक्शन के लिए जो है पुलिस ने पूरी अपनी सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है उनका पूरा इंतजाम कर लिया है, और इसमें जिस जगह पे भी, चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था है, चाहे वो एम्स का है, चाहे हमारा जो जहाँ पर लैंडिंग होना है लुनू ग्राउंड में, सब जगहों पे जो है वो सफिशिएंट फोर्स जो है उसकी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। तो चलिए फिलहाल आपको बता देते हैं, एम्स की ओपीडी ब्लॉक का उद्घाटन आज किया जाएगा, और एक बहुत बड़ी सौगात के रूप में हिमाचल प्रदेश वासियों को मिलने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ओपीडी शुभारंभ करेंगे। तो दिल्ली से वापस लौटे सीएम जयराम ठाकुर 10:30 बजे चंडीगढ़ पहुंचेंगे। सीएम जयराम ठाकुर 11:15 बजे बिलासपुर के लुहणू मैदान उतरेंगे, और लुहणू मैदान से एम्स जाएंगे मुख्यमंत्री। एम्स में कार्यक्रम की समीक्षा जो है वो करेंगे, कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री का वो भी हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी इसमें शामिल होंगे, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस खास कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो 100% वैक्सीनेशन पर ये बड़ी सौगात जो है मिलने जा रही है। ओपीडी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे मनसुख मंडाविया, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और दिल्ली से वापस लौटे हैं सीएम जयराम ठाकुर, इसके बाद 10:30 बजे चंडीगढ़ पहुंचेंगे सीएम जयराम ठाकुर, और 11:15 बजे बिलासपुर के लुहणू मैदान उतरेंगे, और लुहणू मैदान से एम्स जाएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। एम्स में कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। तो ये कार्यक्रम जो है पूरा हम आपको बता रहे हैं, और हमारे सहयोगी महिमा सिंह कवर हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महिमा, बहुत बड़ा दिन आज हिमाचल प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए आज का दिन लेके आया है दो बड़ी जानकारियां, दो बड़ी खबर। कि एक तो पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड राज्य का दर्जा जो है वो हिमाचल प्रदेश के नाम आज हो जाएगा, और दूसरा ये कि एक एम्स में जो ओपीडी की शुरुआत आज से होने वाली है। बिल्कुल, आपने सही कहा अंजलि, आज बड़ी सौगात हिमाचल वासियों को मिलने वाली है, क्योंकि इलाज के लिए जहां लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब उनका
उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा और अब बिलासपुर में क्योंकि एम्स शुरू होने जा रहा है, शिलान्यास के 4 साल 63 दिन बाद आज से एम्स बिलासपुर की ओपीडी शुरू होगी। आपको बता दें कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बिलासपुर में एम्स का सपना देखा था और पीएम मोदी ने अक्टूबर 2017 में इसका शिलान्यास किया था। अंजलि, शिमला बिलासपुर रोड पर 1350 करोड़ रुपए से करीब 229 एकड़ में एम्स बनकर तैयार हो रहा है और इस संस्थान में जहाँ 750 बेड्स की सुविधा है वहीं पर मेडिकल के साथ साथ नर्सिंग की पढ़ाई भी यहाँ पर होगी, यानी कि साफ तौर पर युवाओं को भी बड़ी सौगात यहाँ पर मिली है और इसकी ओपीडी की शुरुआत जैसे कि आज होने वाली है और इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल होंगे, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे और सीएम जयराम ठाकुर भी इसमें शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर थे और दिल्ली के बाद आज वो बिलासपुर पहुंचेंगे। सबसे पहले वो 10:30 बजे के करीब चंडीगढ़ पहुंचेंगे और चंडीगढ़ पहुंचने के बाद फिर उनकी फ्लाइट बिलासपुर है और बिलासपुर के लूहा मैदान में उनका चॉपर उतरेगा और उसके बाद फिर वो एम्स जाएंगे। एम्स में शुभारंभ होगा, कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, भव्य ये कार्यक्रम होने वाला है और इस कार्यक्रम के बाद फिर सीएम जयराम ठाकुर वापस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और जेपी नड्डा को छोड़ने के लिए चंडीगढ़ जाएंगे और उसके बाद फिर वो वापस शिमला आएंगे, यानी कि बड़ी सौगात यहाँ पर अंजलि अगर कहें तो गलत नहीं। और इसी के साथ साथ आज वैक्सीनेशन को लेकर भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन है, वैक्सीनेशन का टारगेट हिमाचल प्रदेश ने पूरा कर दिया है। जैसे कि फर्स्ट डोज में हम नंबर 1 थे, उसके बाद से एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश देश में मिसाल पेश करने जा रहा है। अंजलि बिल्कुल, महिमा बनी रही हमारे साथ, विकास शर्मा भी हमारे साथ कार्यक्रम स्थल से सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, अभी सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि बहुत बड़ा दिन पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए है और ये दो बहुत ही अच्छी खबर, बहुत ही बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के लिए कि पहला तो फुली वैक्सीनेटेड राज्य का दर्जा जो है वो यहां पर मिल जाएगा और दूसरा ये कि एम्स के ओपीडी का उद्घाटन आज होने जा रहा है, यानी बहुत बड़ा सपना जो है, दो सपने ये कहें हिमाचल प्रदेश वासियों के, वो आज पूरे होने जा रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, एम्स एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है जो जिसकी मिसाल जो है हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि इस तरह की मेडिकल की सुविधाएं जिसका दावा यहाँ पर किया जा रहा है वो लगभग अब ये मान के चलिए कि आज से उसका आगाज जो है वो यहाँ पर हो गया है। पहली ओपीडी जो है, मेरे पास पीछे तस्वीरें आपको दिखाने के लिए है, आप ये देखें, अगर आप मुझे देख पा रही हैं तो यहाँ पर ओपीडी का उद्घाटन सबसे पहले इसी ओपीडी के अंदर, क्योंकि तस्वीरें आपको हो सकता है यहाँ पर सिग्नल का जो है वो कुछ दिक्कत यहाँ पर है, इस वजह से हो सकता है तस्वीरें आपको ना दिख पाए, लेकिन कोशिश आपको यहाँ से दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया वो यहाँ पर पहुंचेंगे, जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे, अनुराग ठाकुर उनके साथ होंगे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहाँ पर मौजूद रहेंगे और यहाँ पर क्योंकि सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ से सीधा जो है वो ओपीडी में जाएंगे, अंदर ओपीडी है और इसके साथ साथ जब यहाँ पर आएंगे इसके बाद इस तरफ जो है एक एग्जीबिशन यानी एक प्रदर्शनी जो है वो स्वास्थ्य परिवार कल्याण जो विभाग है उसकी तरफ से यहाँ पर रखी गई है और यहाँ पर वो पहुंचेंगे और यहाँ पर जो है जायजा लेंगे कि किस तरह से हार्ड वर्किंग के साथ यानी कि कठिन परिश्रम के साथ किस तरह से लोगों ने यहाँ पर जो है किस तरह से जो है वो यहाँ पर मौजूद रहे और उसके बाद किस तरह से हिमाचल प्रदेश में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को भी देखते हुए यहाँ पर किस तरह से परिश्रम के बाद अब सेकंड डोज जो है वो यहाँ पर किस तरह से अव्वल जो है वो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर रहा है। मेरे साथ डॉक्टर बेरी है यहाँ पर जो की स्वास्थ्य परिवार कल्याण की तरफ से है, विभाग की तरफ से है। सर, किस तरह का इवेंट है आज, मकसद और आज हिमाचल प्रदेश के लिए वो दिन है जो दूसरी डोज में भी देश भर में अव्वल जो है वो हिमाचल रहा है। सभी के लिए गौरवान्वित करने वाला और सभी के लिए खुशी का उल्लास का मौका है कि हमने जो हमारे को एक नंबर दिया गया था, लक्ष्य दिया गया था कि हम इतने संभावित लोगों को अव्वल का चलिए लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे और हमारी सहयोगी महिमा हमारे साथ लगातार बनी हुई है, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। महिमा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मुश्किलें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार के सामने भी शुरू से रही अब तक और अब ओमिक्रॉन वायरस को लेकर भी जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है।